को शिवसेना के नेता अरविंद सावंत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्ष बरोबर जो काही करार जोरदार झाला होता, जो काही निर्णय झाला होता, तो झालाच नाही असं बोलून त्यांना खोटे ठरवण्याचा जो प्रयत्न झाला, आणि त्यामुळे जिथं विश्वासार्थच नाही यासाठी आज मी माझ्या मंत्रिपदाचा राजीनामा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींकडे पाठविला आहे। आज आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की ली थी। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला, वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था, दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी, तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे, तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। इससे हमारे पक्ष प्रमुख के ऊपर एक अलग सा विश्वासार्थ निर्माण जो बात होती है दोनों में, सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार आप जानते हो जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे वातावरण में मैं यहां ये पदभार कारोबार करूं ये उचित नहीं लगता, नैतिकता से भी सही नहीं लगता। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया है। एनडीए से बाहर, एनडीए से क्या सूचना बाहर आ गई है? मुझे लगता है आप समझने की कोशिश करिए, जब मैंने त्याग पत्र दिया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है। राजकारण
सर 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 सर